हेलो एवरीवन, गुरलेज किचन में आपका स्वागत है। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की मेरी रेसिपी है रिपब्लिक डे स्पेशल तिरंगा ढोकला। तिरंगा ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कटोरी जितना सूजी। सूजी मैंने यहाँ पर पतली वाली ली है, बारीक सूजी लिया है। इसी में हम डाल देंगे 1/3 कप जितना दही, स्वादानुसार नमक, 3 चम्मच जितना शक्कर और 1/2 कटोरी जितना पानी डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। आज की रेसिपी हमारे झंडों के तीनों रंगों को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आप मेरी अगली रेसिपी भी देख सकें, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको आ सके। देखिए, ऐसा ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें गाढ़ा बैटर बना लेना है। ऐसे ही हमें 5 मिनट तक ऐसे ही फेंट लेना है। पाँच मिनट ऐसे ही फेंट लेने के बाद हम इसे ढक्कन लगाकर रख देंगे आधे घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दिया है, उसमें 1.5 ग्लास जितना पानी डालकर उसके अंदर ऐसे स्टैंड रख दिया है। यहाँ पर हमारे बैटर को भी आधा घंटा हो चुका है, ढक्कन हटा देंगे, फिर से ऐसे चला लेंगे एक बार। ऐसे मिक्स करने के बाद इसे हम 3 कटोरी में निकाल देंगे बैटर को। टिन को हमें पहले ऐसे तेल लगा कर लेना है। अगर आपके पास टिन नहीं है तो आप कुकर का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम ऑरेंज कलर करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जितना टमेटो केचप लिया है और जो कटोरी में हमने बैटर रखा था वो बैटर भी डाल देंगे। यहाँ पर आप बैटर में फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच और टोमेटो केचप डाल दिया था। अब इसी में हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा। मिला देंगे एक बार ऐसे हल्के हाथों से। देखिए, बबल आना शुरू हो गया है। जल्दी से अब हम टिन में डाल देंगे बैटर को। ऐसे एक बार टैप कर दें। अब हम इसे कढ़ाई में रख देंगे। ध्यान से रखना है। इसका ऊपर का ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाकर देख लेंगे। देखिए कितने अच्छे से बन गया है। अब टिन को निकाल देना है, इसे साइड में रख देंगे। दूसरे कटोरी में जो वाइट कलर का बैटर था वो डाल देंगे। उसी में 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा डालकर मिला देना है। अब इस बैटर को जो हमने ऑरेंज कलर का पका लिया था उसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। एक दो बार ऐसे टैप करके रख देना है फिर से कढ़ाई में 10 मिनट के लिए। ध्यान से दस मिनट हो चुके हैं, निकाल देंगे अब इस ढोकले को। अब हमारा तीसरा कलर है हरा। यहाँ पर मैंने हरा धनिया को मिक्सिंग जार में डालकर पीस लिया था, वो डाल देंगे। आप यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर फूड कलर भी डाल सकते हैं। इसे मिला देने के बाद 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा डालकर इसे मिला देना है हल्के हाथों से। और इसे हम जो हमारा ढोकला बना था वाइट कलर का उसके ऊपर डाल देना है।
डालकर ऐसे अच्छे से फैला दे। फिर से ऐसे टाइप करके रख देना है पकने के लिए 10 मिनट के लिए। आप इसके ऊपर कुछ भारी सामान भी ऐसे रख सकते हैं ताकि वाप जो है वो बाहर न जाए। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इस ढोकले को निकाल देंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जितना तेल डालकर उसी में राई और जीरा डाला है, आधा आधा टीस्पून, 3 से 4 हरी मिर्च, एक चुटकी जितना हींग डाल दें, आधा नींबू का रस और 5 से 7 चम्मच जितना पानी डाल दें, 1 चम्मच जितना या फिर आधा चम्मच जितना शक्कर डाल दें, मिला दें, ऊपर से ऐसे हरा धनिया भी डाल दें। अब ये हो गया हमारा ढोकले के ऊपर डालने का तड़का। यहाँ पर टिन को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद ऐसे निकाल देना है। देखिए कितने आसानी से निकल रहा है ढोकला हमारा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम छुरी की सहायता से ऐसे साइड में से निकाल देंगे धीरे धीरे से। वैसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही निकल जाती है। इसके ऊपर ऐसे बड़ा वाला प्लेट रख दे और उल्टा कर दे। देखिए अब हम इसे निकाल देंगे। वाह, देखिए यहाँ पर टिन को बिल्कुल भी नहीं लगा है। देखिए कितने अच्छे से बन गया है हमारा ढोकला, हमारा तिरंगा ढोकला। इसे अब हम कट कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसे स्क्वायर शेप में काट दिया है। आप चाहो तो कोई और भी शेप दे सकते हैं। देखिए रिपब्लिक डे स्पेशल तिरंगा ढोकला हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम सजाने के लिए कुछ और भी करने वाले हैं। पहले तो हम इसके ऊपर जो हमने तड़का लगाया था वो डाल देना है। और गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर टमेटो केचप ऐसे लगा दिया है और वाइट के लिए मायोनीज सॉस लगा दिया है और ग्रीन के लिए जो हमने हरा धनिया पीस के रखा था वो लगा दिया है। देखिए बन गया हमारा तिरंगा ढोकला। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस रिपब्लिक डे पर ज़रूर बनाइए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू।